आप लोग देख सकते हैं हम लोग नौरतनगढ़ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे पुराना पुराना बहुत, और हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं तो हम लोग क्या लिखो फिर अंदर चलते फिर पढ़ते इसको। अरे वहाँ क्या चीज़ है, जल्दी जल्दी बाहर। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटेड है, आज बकरीद का दिन है और हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं एक जगह जाने का। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे मैं ले चलूँगा आज, और बहुत ही एक्साइटमेंट जगह है जो राजवंशी राजाओं के द्वारा एक महल बनाया गया है जो हमारे शीशे गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड में नगर में है, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंजॉय करेंगे और आपको भी मैं ले चलूंगा। सो दोस्तों मैं महक और मोनी से मैं मिलाता हूँ, वो क्या बोलती वो जाना पसंद कर। हेलो गाइस, आई एम टू माय प्लेनेट और आप सब जाने रहेंगे और मेरे पापा उधर है और मेरे मम्मी, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं फिर मम्मी से हाय। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने नौरतनगढ़। दिन भर तो मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग घर पे ही थे, अभी मौसम कुछ अच्छा हुआ तो हम लोग को सोचे चले कहीं पे प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ पार्टी वार्टी मनाते हैं, थोड़ा जाकर एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर जाकर आप लोग से मिलते हैं। और मैं इसका रूबरू करवाता हूँ लोकेशन सबसे पहले, और इस चीज़ का मैं कुछ बहुत जानकारी देता हूँ और आपको हर एक चीज़ मैं दिखाने दे सकते हैं। गाइस यहाँ पे पुरातात्विक जो है ऐतिहासिक धरोहर के द्वारा महल बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने का लायक है ना महक। हाँ अरे देख सकते हैं महक भी आई है और मोनी वगैरह सभी लोग, हम लोग पूरा फैमिली आ चुके हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं अंदर कैसा है। इधर इधर तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और शानदार महल था जो नागवंशी शासक के द्वारा जो है यहाँ पे बनाया गया है और बहुत ही पुराना ये महल है और महल के अंदर हम फाइनली एंट्री कर चुके हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गाइस अंदर में हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पे फाइनली मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है 16वीं या 17वीं शताब्दी में जो है नागवंशी शासक दुर्जन के द्वारा जो है
बनाया गया जो ये तालाब है, स्विमिंग पूल है, वाटर पार्क है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है देखने के लायक। और यहाँ से जो है बगल में जो है वहाँ पे आप एक शानदार जो है महल देख रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। हेलो गाइस, अभी हम जहाँ परी राजा में सारी गलती हो गया था, जहाँ पर राजा बैठ तो वहाँ पर चल के दिखाती हूँ मैं, चलिए। और मैं इधर राइट साइड है सोने वाला था। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं काम भी हो रहा है बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हम लोग आकर के देखते हैं खंडर, खंडर में है ना भाई। अरे वाह, कितना बहुत ये खंडर है, बहुत डर भी लग रहा है। इतना सुंदर है, चलो 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 चलो, भाग जाओ भाग जाओ। चलो चलो इधर, और हम भी देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, शीशे में पड़ता है। और इसका जो है देख सकते हैं और भी धंसा पड़ा हुआ है ना, बहुत ही खतरनाक। और देख सकते हैं उस ज़माने में 2 से 3 तल्ला यहाँ पे बना हुआ है खंडहर, जो नागवासी शासक द्वारा। और यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। चलो चलो चलो, हाँ हाँ। तो यहाँ पे जब हम एंट्री कर चुके हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी जो है मज़ेदार व्यू है यहाँ का, है ना। और ये देख सकते हैं पहला रूम है, दूसरा रूम है, तीसरा करके सारा का सारा यहाँ पे यह नागवंशी शासक के द्वारा बनाया गया है। और काफ़ी खंडहर हो चुका है और दरवाज़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, है ना। पापा क्या है? अरे ये यहाँ पे सोना लग रखते थे राजा, जहाँ सोना छुपा लिए राजा वो पत्थर में जो वहाँ पड़ी है, मैं बाद में दिखाऊंगी लास्ट में। और इधर गई, और इधर चलते, यहाँ पर राजा लोग का सोफा रहता था बैठने का। हाँ, यहाँ आसमान तक, यहाँ पर सोना दिखाए राजा लोग का छुपा हुआ इधर। तो ब्रो, आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो? और काफी समय के बाद निकाल के हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत सारे चीज आपको दिखाए। और बने रहिए वीडियो में, और भी हम लोग दिखाने वाले हैं बहुत ही शानदार हर एक चीज़ का यहाँ पे खोज करते हैं। और चलिए हम लोग अंदर जा कर के देखते हैं ज़रा इसमें कितने तल्ला का बिल्डिंग बनाया गया है। और बहुत ही पुराना, आप जानती ही हैं कि 17वीं शताब्दी में कैसा हो सकता है। और अभी बहुत सारा चीज़ अभी काम, और दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, है ना महक। तो चलो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस किस तरीके खंडहर है, बहुत ही हैवी खंडहर है। अरे वाह, 2 से 3 तल्ला का है, है ना। हाँ, सीढ़ी। तो दोस्तों हम लोग साइड से जाने की कोशिश करते हैं अंदर की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना पहाड़ है, बहुत घने जंगलों के बीच में राजवंशी शासक द्वारा बनाया हुआ महल वगैरह है जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और देख सकते हैं है, रास्ता तो यहाँ पे मिल ही गया है ना महक। हाँ, तो चलिए, और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ फिर अंदर चलते फिर पढ़ते इसको। अरे वहाँ एकदम आवाज दे रहा महक, क्या चीज है? जल्दी जल्दी बाहर, आइए दोस्तों। पापा मैं आपकी हेल्प भी करूँगी। यस यस यस, जल्दी जल्दी।
फर्स्ट है, तल्ला का भी ख़राब हो चुका है, पूरी तरीके से धस चुका है ना। और ये अंदर का सीन आप देख ही लिए, अब हम लोग जाके बाहर का बैकग्राउंड लेते हैं। हेलो, आप लोग देख सकते हैं हम लोग नौरतनगढ़ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे पुराना पुराना बहुत बहुत बजों के टाइम का है। यहाँ पे एक तालाब है जो सूख चुका है, अभी काफ़ी बारिश के वजह से पानी भी बहुत कम है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे सब पूरी तरह तैयारी चल रहा है। अभी फिर से यहाँ पे तरह तरह के किला बनाएंगे, जो पुराना टूट चुका है उसको रिपेयरिंग किया जाएगा। बहुत अच्छा घूमने का स्पेस है, काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है और बहुत मस्ती करने का भी जगह है। देखिए वहाँ पे काफ़ी एकदम लंबा चौड़ा किला है, पुराने टाइम का, काफ़ी हाइट में होगा, लेकिन अभी पूरा तरह धस चुका है, टूट चुका है। लोग देखने आए हैं घूमने को और एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी घर में बोर हो चुके थे बारिश की वजह से, तो आते तो हम लोग निकल चुके थोड़ा घूमने को। देख रहे हैं थोड़ा सा शाम के टाइम में बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ यहाँ पे भी नया लाइट वाइट लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग।